वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे ये पता है कि आपको जानना है कि फेसबुक अकाउंट किस तरीके से डिलीट किया जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये जानना है भाई कि आपको अपना फेसबुक अकाउंट क्यों डिलीट करना है, वो मुझे आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आप इन्फोगुरु चैनल देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं अपने सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन नजर आ रहा होगा, अब आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है तो इसके लिए प्ले स्टोर में सबसे पहले आ जाना, यहाँ पे फेसबुक जो है वो सर्च कर लेना या फिर देख लेना कि कैसे है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप अपने फेसबुक वाले एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। मेरा अपडेट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। भाई जब आप मेरे बताए गए तरीकों पर चलोगे, आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट या फिर डिलीट जो भी करना है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में दिए गए इस मेनू बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाते हैं, यहाँ पे या तो इस वाले सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देना, नहीं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ तक आ जाओगे, यहाँ पे कहीं पे भी आपको अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है सी मोर इन अकाउंट सेंटर, जब आप इस पर एक बार क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जनता जनार्दन यहीं पे कंफ्यूज, ठीक है, कि कहाँ है भाई ऑप्शन, वीडियो देखेंगे नहीं लास्ट तक, ठीक है। तो उनको समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो जो वीडियो देख रहे हो वो ज़्यादा समझदार है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, देन उसके बाद यहाँ पे डीएक्टिवेशन और डिलीशन, जब आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपने फेसबुक का आइकन देखने को मिल जाएगा, ये वाला, आप इस पर एक बार क्लिक कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपको अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है दोस्त, तो इसके लिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ पे डिलीट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ टाइम के लिए अगर डिलीट करना है तो इस वाले पे सिलेक्ट कर लेना, लेकिन हमें क्या करना है, परमानेंटली डिलीट करना है। रीज़न ज़रूर बता देना भाई, ठीक है, रीज़न ज़रूर से बता देना कि क्यों डिलीट करना चाह रहे हो। और उसके बाद में सिंपली हम इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे पहले वाले इस ऑप्शन पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद वापस से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आपको समझ में आ जाए, आपका जब इतना सब कुछ हो जाए, तो यहाँ पर अगर आप फेसबुक पे जो भी फोटोज़ वीडियोज़ अगर आपने कुछ भी पोस्ट कर रखा है, अगर आपको उसे डाउनलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये वाला, ठीक है। सिंपली आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज अगर डाउनलोड का कोई झंझट नहीं है सिंपली आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही दोस्तों जब आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर अभी आपको पासवर्ड डाल के अकाउंट डीएक्टिवेट करके दिखा देता हूँ, डिलीट करके दिखा देता हूँ। सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अकाउंट डिलीट, ठीक है, अकाउंट जो है वो अब डिलीट। तो जैसे ही जब आपका काम हो जाए ना, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता कर जाना कि किस वजह से आप अकाउंट जो है वो डिलीट करना चाहते हो, ताकि मुझे पता चल सके यार,